ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कुछ दिनों से स्टडी कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक टॉपिक है गार्नर वर्सेस मुर्रे। गार्नर वर्सेस मुर्रे का एक नियम था, वो नियम कब अप्लाई होता है, वो नियम क्या है, ये मैं तुम्हें आज बताऊंगा। एक्चुअली गार्नर मुर्रे और विल्किंस एक फॉर्म में पार्टनर्स थे, एक इंग्लिश फॉर्म के अंदर। तो उनके अंदर से जो उनका तीसरा पार्टनर था विल्किंस, वो हो गया उनका इंसॉल्वेंट। अब दिक्कत ये है कि जो विल्किंस की जो लॉस था, क्योंकि विल्किंस की जो कैपिटल थी वो नेगेटिव पड़ी थी, माइनस में थी, तो उस लॉस को कौन सफ़र करेगा, दिक्कत यहाँ पर आई। तो इसके लिए ही जो ये नियम है गार्नर वर्सेस मुर्रे, ये बनाया गया था। अब गार्नर वर्सेस मुर्रे में खास बात क्या है कि गार्नर मुर्रे और विल्किंस के अंदर गार्नर और मुर्रे की जो कैपिटल थी वो प्लस में थी, यानी क्रेडिट में थी, और जो मुर्रे विल्किंस की जो कैपिटल थी वो नेगेटिव थी। तो सबसे पहले बात मैं तुम्हें ये बता दूं बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को जो भी इस टॉपिक को करना चाहते हैं कवर, कि उन तीनों के ये जो गार्नर वर्सेस मुर्रे है ये अप्लाई होगा सबसे पहली बात जब डिसोल्यूशन हो रहा हो फर्म का, नंबर एक। और नंबर दो, तीनों में से कोई एक पार्टनर क्या हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो दिवालिया हो गया हो, तो उस केस के अंदर ये जो नियम है आपका ये अप्लाई होगा गार्नर वर्सेस मुर्रे का। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक टॉपिक समझा देता हूं ये वाला, अकॉर्डिंग टू बुक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास बुक है। फैक्ट्स ऑफ द केस वर दैट गार्नर मुर्रे एंड विल्किंस वर थ्री पार्टनर्स इन एन इंग्लिश फर्म। Although their capital were unequal, they shared profit and loss in the ratio of equal proportion. जैसे मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ आपको कि गार्नर मुर्रे और विल्किंस पार्टनर थे, इनकी जो कैपिटल है वो अनइक्वल है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो इक्वल था। इक्वल माना 1:1:1, यानी जितना भी प्रॉफिट या लॉस वो होगा वो इक्वल सेन करते थे, हालांकि इनकी कैपिटल अनइक्वल है। ध्यान से देखें, गार्नर की है 2500 क्रेडिट, मुर्रे की है 314 क्रेडिट, और विल्किंस की हमारे पास 263 डेबिट। तो ये तीन हमारे पास कैपिटल थी इनकी। लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट ₹6,036। रियलाइजेशन अकाउंट जब इन्होंने बनाया तो रिलाइजेशन अकाउंट पर आ गया इनका लॉस, और वो लॉस था 636 पाउंड का। आगे, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमाउंट विद द थ्री पार्टनर्स इक्वली, द डेबिट बैलेंस ऑफ विल्किंस कैपिटल अकाउंट बिकम 475। अब इस लॉस को इन्होंने क्या किया, जो ये 636 का लॉस है इसको इन्होंने इक्वल इक्वल बांट दिया। इक्वल इक्वल बांटा तो गार्नर को भी मिला कितना, 212, मुर्रे को मिला 212, और विल्किंस को मिला 212। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास जो विल्किंस का लॉस था टोटल वो हो गया 475 डेबिट, क्योंकि 263 उसके पास पहले थे, 263 और 212 उसके पास अब हो गए बाद में। यानी गार्नर क्लेम्ड दैट द डेफिशिएंसी ऑफ पॉन 475 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टनर्स बिकॉज दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, बट मुरे अग्रीड argued that loss on amount of deficiency of the capital account of the insolvent partner is capital loss, not a business loss, and hence must be shared by the solvent partner in the ratio of their capital. अब इसमें दिक्कत क्या आई, जो ये 475 का लॉस था, अब ये तो समझ में आ गया कि जो 475 का लॉस है ये इन दोनों ने सफर करना है, यानी किस किस ने बोला, गार्नर ने और मुर्रे ने। मुर्रे गार्नर बोलने लगा कि ये जो लॉस है हम इक्वल इक्वल सहन कर लेंगे,
गार्नर का ये व्यू था कि इस लॉस को हम इक्वल इक्वल सफर कर लेंगे, जो 475 है इसको इक्वल इक्वल। अब मुर्रे कहने लगा नहीं, मुर्रे का व्यू था नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसे? क्योंकि जो ये लॉस है ये कैपिटल लॉस है, ये बिजनेस लॉस नहीं है। बिजनेस लॉस मतलब वो जो बिजनेस में नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होता है, गुड्स को सेल एंड परचेज करने में, तो ये वो लॉस नहीं है, ये तो कैपिटल लॉस है। क्योंकि ये तो कभी कभी होगा और ये हमारी बिजनेस फर्म अब क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तब हो रहा है लॉस, तो ये रिवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है। और इसलिए हमें इस लॉस को कौन सी रेशो में सफर करना चाहिए, कौन सी रेशो में बियर करना चाहिए, इनकी कैपिटल की रेशो में। कैपिटल की रेशो क्या थी इनकी, 2500314, इस रेशो में सफर करना चाहिए हमें। बात चली गई कोर्ट में, कोर्ट में पहुंच गए दोनों पार्टनर्स, गार्नर वर्सेस मुर्रे, केस बन गया। जज थे वहां पर जस्टिस जॉयस। जस्टिस जॉयस के सामने जब ये केस पेश किया गया कि सर गार्नर तो कह रहा है कि लॉस को इक्वल इक्वल सहन करो क्योंकि इनका रेशो क्या है, इक्वल, और मुर्रे कह रहा था कि इस लॉस को कैपिटल रेशो में सहन करो क्योंकि जो ये लॉस है ये कैपिटल लॉस है, जनरल लॉस नहीं है। जस्टिस जॉयस के पास केस पहुंच गया और वहां पर क्या बातें हुई सुनो। द लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी बोर्न बाय द ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनसॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द सॉल्वेंट पार्टनर शुड देन ब्रिंग इन कैश इक्वल टू देयर शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। यानी जो रियलाइजेशन पर होने वाला लॉस है ना, हमने यहां पर लिखा था कि रियलाइजेशन पर कितना लॉस हो रहा है, 636, उसको सभी पार्टनर क्या करेंगे, सहन करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और बाद में जो ये 212 रुपए का लॉस है ये गार्नर और मुर्रे बाद में ले आएंगे। यानी सबसे पहली बात, जो ये लॉस है ये कौन सहन करेगा, तीनों पार्टनर्स इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकंड डिसीजन क्या लिया गया, द डेफिशिएंसी शोन बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मस्ट बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। यानी जो ये लॉस हुआ है, जो इसका पहले का लॉस था और जो ये इसका अब लॉस हुआ रियलाइजेशन पे मिलाकर 475 का, इसको कौन कौन सहन करेगा, इसको सहन करेंगे गार्नर और मुर्रे इनके कैपिटल रेशो के अंदर। कैपिटल रेशो कौन सी थी इनकी, 2500 और 314। यानी मुर्रे की बात एक्सेप्ट हो गई और मुर्रे जो था कोर्ट के अंदर केस जीत गया, गार्नर की बात नहीं मानी। और किसकी बात मानी, जस्टिस जॉयस ने, मुर्रे की। मुर्रे का रेशो क्या था, 2500 और 314। तीसरा डिसीजन क्या लिया गया, कैपिटल रेशो विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म जस्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन। अब जो कैपिटल लेनी है वो कौन सी लेनी है, कैपिटल लेनी है वो वाली जो डिसोल्यूशन से पहले वाली जो कैपिटल है, जो बैलेंस शीट के अंदर आपको शो की गई है कैपिटल, वो वाली लेनी है। ठीक है, तो यानी कैपिटल अगर मान लो लॉस वगैरह करने के बाद नहीं, कैपिटल वो वाली जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है वो आपको कैपिटल लेनी है कैपिटल रेशियो निकालने के लिए। While determining the capital ratio of the solvent partner, the facts of capital being fixed or fluctuating is important. अब जब हम कैपिटल निकालेंगे तो हमने कुछ बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी वो बातें हैं, आपको पता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल वो जिसके अंदर कैपिटल पार्टनर्स की क्या रहती है, सेम रहती है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो होती है जिसके अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या करती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी चेंज करती रहती है। तो ये था वो केस। अब मैं बता रहा हूं, अगर आपकी कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स हो तो क्या करेंगे हम, बुक में लिखा हुआ है, कहता है इफ द पार्टनर्स आर मेंटेन कैपिटल एट द फर्म फिक्स्ड अमाउंट द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी रेशियो इन विच द इंसॉल्वेंट पार्टनर डेफिशिएंसी विल बी बोर्न। इन सच ए केस ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर मेड थ्रू करंट अकाउंट। यानी जो भी सब एडजस्टमेंट होती हैं आपकी प्रॉफिट की, रिजर्व की, वो सब आपने कहां पर देखनी है, करंट अकाउंट के अंदर लगानी है।
कैपिटल अकाउंट में आपने वहां पर कुछ भी नहीं लगाना। सेकेंड पॉइंट कह रहा है हमारे पास इन केस कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल्स क्या हो आपकी फ्लक्चुएटिंग हो, इफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग देन ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एक्सेप्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन रिजर्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एटसेट्रा टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन मस्ट बी एडजस्टेड टू द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स टू डिटरमाइन द कैपिटल रेशियो एंड द सॉल्वेंट पार्टनर डेफिशिएंसी विल बी बोर्न इन द रेशियो दस अराइव रेडी। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग हो तो सभी एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है, सभी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद जो आपकी कैपिटल आएगी उसको ही कंसीडर करना है। यानी कि अगर दो बातें बताई मैंने आपको यहां पर, अगर कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स है तो सिर्फ जो कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल है सिर्फ वही लेनी है, और अगर कैपिटल हमारी क्या हो फ्लक्चुएटिंग हो तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है जो सभी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह करने के बाद रिजर्व प्रॉफिट बांट लेने के बाद जो हमारे पास आएगी कैपिटल हमने उसको लेना है। अब इंडिया के अंदर जब हम ये रूल मानते हैं जस्टिस जॉयस वाला तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, वो क्या चेंजेस हैं सुने। There is nothing in the Indian Partnership Act which goes against the rule laid down in Garner versus Murray, and hence the rule will apply in India till an Indian court definitely rules against it. It should, however, be noted that if the partners so desire, they can exclude the applicability of the rule by specific agreement. अगर मान लो Indian Partnership जो firm है वैसे तो कोई डाउट नहीं है कि ये रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, रूल तो अप्लाई होगा, लेकिन इंडियन फर्म के अंदर कुछ चेंजेस हैं जब ये रूल अप्लाई होगा तो। वो क्या हैं? इन इंडिया द रूल डाउन इन गार्नर वर्सेस मुर्रे इज अप्लाइड विद सम मॉडिफिकेशंस। द मॉडिफिकेशन इज दैट लॉस ऑन रियलाइजेशन नीड नॉट बी ब्रॉट इन टू कैश बाय द सॉल्वेंट पार्टनर बिकॉज अल्टीमेटली द सेम विल हैव टू बी रिटर्न टू देम। ये जो ये लॉस है वो कैश में लाने की जरूरत नहीं है, जो 212 रुपए का तीसरे पार्टनर का लॉस था ना, क्योंकि अल्टीमेटली इनको ही वापस होना है तो लेके आने की जरूरत नहीं है। द होल पोजिशन व्हेन ए पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट मे बी समड अप एज फॉलोस द डेबिट बैलेंस शोन बाय द कैपिटल अकाउंट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एज द स्टैंड जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। यानी जो भी पार्टनर दिवालिया हुआ है या जो भी पार्टनर इनसॉल्वेंट हुआ है उसका जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएंगे उनकी कैपिटल के रेशो में, और कैपिटल की रेशो वो होगी जो बैलेंस शीट के अंदर आपकी गिवन है वो वाली। सेकेंड पॉइंट क्या बताया, द सॉल्वेंट पार्टनर नीड नॉट ब्रिंग द लॉस ऑन रियलाइजेशन इन कैश अनलेस इट इज स्पेसिफिशली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन टू अप्लाई द रूल्स गिवन इन गार्नर वर्सेस मुर्रे। जो ये लॉस है लॉस को भी कैश में लेकर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक लाने की जरूरत नहीं है जब तक ये ना कहा जाए साफ साफ भी गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल है वो यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो तब तक आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, लॉस को कैश में लेकर आने की जरूरत नहीं है। अगर ये लाइन लिख दे भी गार्नर वर्सेस मुर्रे का नियम अप्लाई करो तो जो लॉस है वो तो कैश में लेकर आएंगे रियलाइजेशन का लॉस, ठीक है, और अगर ये ना कहे तो आपको जो लॉस है वो कैश में लेकर आने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका टॉपिक गार्नर वर्सेस मुर्रे। अब इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो हमारे पास स्टेटमेंट ले रहे हैं हम बुक से, तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, मान लो ए बी और सी, ये गिवन है। रेशो है इनका हमारे पास 3:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट दैट डेट डिसोल्यूशन ऑफ द फॉलोस, क्या बैलेंस शीट हमारे पास, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट, ये बना लिया हमने, इस प्रकार का हमने बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। लो
यहाँ बना ले हम रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ बना लेते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए थोड़ी सी जगह आपको एक्स्ट्रा चाहिए होती है, इसलिए पॉसिबल हो तो नेक्स्ट पेज पर ले लेना है जब हम इसके सम करेंगे। तो यहाँ बना रहे हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तीन हैं हमारे पास पार्टनर्स ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी, तीन ही डेबिट साइड में तीन क्रेडिट साइड में, तो ये बना दिया हमने ए बी और सी। साथ साथ में चलेंगे दोनों, रियलाइजेशन की बातें रियलाइजेशन में डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल की बातें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लास्ट में दे रखा है हमें शुरू में कैश एट बैंक, तो यहाँ पर एक अकाउंट और बना लें बैंक अकाउंट, जो कि तुम्हें ये दिखाएगा कि बैंक में हमारा पैसा कितना पड़ा है। तो यहाँ बना लिया हमने बैंक अकाउंट, तो कैश एट बैंक दे रखा है हमारे पास 7000, तो यहाँ लिख लें आप जो कैश एट बैंक है उसको लिखते होते हैं हम टू बैलेंस बी डी के नाम से 7000। फिर हमारे पास दे रखे सन्ड्री डेटर्स 20000, तो यहाँ लगा दो आप टू सन्ड्री डेटर्स 20000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है 1000, तो यहाँ लगा दिया हमने बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। इसके बाद हमारे पास स्टॉक 28000, स्टॉक डेबिट में आएगा स्टॉक 28000। स्टॉक के बाद फर्नीचर है 6000 का टू फर्नीचर 6000। फर्नीचर के बाद हमारे पास प्लांट मशीनरी 34000 टू प्लांट मशीनरी 34000, बिल्डिंग 60000, बिल्डिंग 60000। बिल्डिंग के बाद दे रखा है हमारे पास कैपिटल अकाउंट दे रखा है सी का, और जो सी का कैपिटल अकाउंट है वो एसेट साइड में दे रखा है। एसेट साइड में देने का मतलब है ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस हम कहाँ लगाएंगे डेबिट में, 14000 है तो यहाँ लगा दिया हमने, और कैपिटल को हम लगाते होते हैं किस नाम से टू बैलेंस बी डी के नाम से। ए और बी का बॉक्स खाली छोड़ देना है और सी के बॉक्स में लगा देना है अपने 14000। इसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स 22000, क्रेडिटर्स आपके रियलाइजेशन अकाउंट में आते होते हैं क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 22000। जनरल रिजर्व है हमारे पास 12000, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स के अंदर बांटते हैं कुछ ना क्या रखा हो, तो यहाँ पर हम जनरल रिजर्व बांट रहे हैं बाय जनरल रिजर्व ए बी सी में बांट देंगे हम तीनों को इक्वल इक्वल 12000 को 3:1 में, इनकी क्योंकि इनकी रेशो जो है ना वो 3:1 है, तो 3:1 में बांटेंगे 12000 को 6000 ए में 4000 बी में और सी में 2000। इसके बाद कह रहा है हमारे पास कैपिटल अकाउंट दे रखा है ए और बी का, तो यहाँ पर लगा दो आप बाय बैलेंस बी डी, ए का 84000 और बी का 50000, सी का खाली क्योंकि सी की जो कैपिटल थी वो डेबिट बैलेंस में थी इसलिए। अब नीचे हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट में लिख रखा है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 23420, तो यहाँ लगा दो आप बाय बैंक अकाउंट असेट्स रिलाइज क्या क्या बिका है हमारा, सबसे पहले चीज बिकी है जो प्लांट मशीनरी 23420 की,
फिर है हमारे पास बिल्डिंग जो सेल हुई है वो है आपकी 33,200 की, ये भी गिवन है हमें। बिल्डिंग के बाद हमारे पास है स्टॉक 20% लेस देन द बुक वैल्यू, स्टॉक था हमारा 28,000 का, 28,000 का हमारे हमने क्या माइनस कर देना है इसका 20% लेस, 28,000 20% लेस, तो 28 का 20% होगा 5,600, तो इसको माइनस कर देंगे हम 5,600 तो हमारे पास बचेगा 22,400। स्टॉक के बाद है हमारे पास बैड डेट्स, हमारे पास 1,620 में, तो जो बैड डेट्स होते हैं हम क्या करते हैं उसको डेटर्स में से माइनस कर देंगे। डेटर्स हमारे पास हैं 20,000 के और जो बैड डेट्स हुए हैं आपके वो हैं 1,620 के, तो डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस कर दो तो हमारे पास बचेंगे 18,380 रुपए, वो यहाँ लगा देंगे डेटर्स। इसके बाद कह रहा है हमारे पास फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय ए, फर्नीचर जो था हमारा वो ए ने ले लिया, तो यहाँ लगाओ बाय एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर, कितने का फर्नीचर है 4,500 का, और इसी को ही ए के बॉक्स में लगा देंगे हम 4,500 और अकाउंट का नाम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जो ये लेन देन हुआ है सारा ये हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फिर कह रहा है हमारे पास डिस्काउंट ऑफ ₹800 इज रिसीव्ड ऑन पेमेंट ऑफ टू क्रेडिटर्स, यानी जो क्रेडिटर्स की पेमेंट थी हमने इसे डिस्काउंट पे किया तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है, तो हेडिंग बनाते हैं टू बैंक अकाउंट, सब कॉलम बनेगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे हमारे पास 22,000 माइनस कितने का डिस्काउंट मिला था हमें 800 का, तो इसमें से 800 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 21,200 रुपये, इतने की पेमेंट कर देनी है आपने। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स नोट प्रोवाइडेड फॉर अमाउंट ₹2,500, आपके कुछ आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स भी थे उनको भी आपने पे करना है, तो पे हम डेबिट में करते हैं 2,500। द एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन हुए 1,200, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस है हमारे पास वो हमारे पास गिवन है 1,200 का, तो यहाँ लगा देंगे हम डेबिट में। इसके बाद क्या कहते हैं सी बिकम इंसॉल्वेंट, जो सी था ना सी हो गया इंसॉल्वेंट, यानी सी दिवालिया हो गया, बुक में बोल रखा है आपने, और 20 पैसे इन रुपी ही ला सका वो, यानी जितना इसका ड्यू है उसका सिर्फ वो कितना लेकर आएगा 20% जितना हमने इससे लेना है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड गार्नर वर्सेस मुर्रे का भी नियम अप्लाई करना है, बोल रखा है इसने यहाँ पर भी गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल है वो अप्लाई करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्लोज कर लेना है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने का पर्पज़ यह है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट्स पर होने वाला जो प्रॉफिट या लॉस है वो पता चल जाएगा हमें, तो हमारे पास इन सब को हम टोटल कर लेंगे वो यहाँ लगा देंगे, तो इन सब का टोटल कर कर आता है हमारे पास 97,400, क्योंकि ये हमारे पास फिगर चार हैं 23,420, 33,200, 22,400 और 18,380 रुपये, इन सब का टोटल कर कर हमारे पास आया 97,400। मैं प्रैक्टिकली आपको इसलिए समझा रहा हूँ तो क्योंकि प्रैक्टिकली समझाने से आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं प्रैक्टिकल में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनका टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का और वही टोटल यहाँ लिख देंगे और इस टोटल में से सब माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाय लॉस सफर्ड बाय पार्टनर्स, यानी हमारे इसमें से ये सभी फिगर्स माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है
48,000, ये लॉस हो गया हमारा। और लॉस को हमने क्या करना है, बांट देना है ए बी सी में 3:1 में, रेशो की गिवन है। तो हमारे पास आ जाएगा 24,000, 16,000 और 8,000। और इस लॉस को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ले आएंगे डेबिट में, क्योंकि लॉस है, लॉस डेबिट में आता है। या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, लॉस। लॉस हमारे पास कितना था, ए का 24,000, बी का 16,000, सी का 8,000। ये लॉस लगाने के बाद आपने क्या देखना है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है, इसने कहा था कौन इंसॉल्वेंट हुआ है, सी। सी का सब लेखा जोखा करना है हमने, तो सी का लेखा जोखा करने के लिए हम सी को देखो बनता कितना है इसका। देखो इधर सबसे पहले हमने सी का टोटल करना है। देखो इधर, देखो यहां से करेंगे 14 and 8, 22,000, और यहां भी लिख देंगे हम 22,000। 22,000 में से 2,000 माइनस कर दो, हमारे पास कितना बचा 20,000। तो सी की जो डेफिशिएंसी है वो लिखेंगे हम यहां पर 20,000। सी इज डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 20,000 विल बी बोनी बाय ए एंड बी इन द कैपिटल रेशो, कि उनको हम कैपिटल रेशो में एडजस्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। अब ए की कैपिटल देख लो यहां पर कितनी आ रही है हमारे पास, ए की कैपिटल है 84 प्लस सी 6, तो ए की कैपिटल हमारे पास 84,000 प्लस 6,000, तो कितना बन गया 90,000। और बी की जो कैपिटल है वो है हमारे पास 50,000 और 4,000, तो 50 और 4 कितना बन जाएगा हमारे पास 54,000। अब इनकी रेशो बना लो आप, 90,000 और 54,000, रेशो बनेगी कितनी, इसको कैंसिल करेंगे ना, 5:3 रेशो बन गई। जब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। रेशो निकालते वक्त अपने ध्यान में रखना है कि रिजर्व या प्रॉफिट पड़ा हो तो वो तो ऐड कर देंगे हम, अगर किसी टाइप का लॉस होता तो वो क्या कर देना था हमने, माइनस। तो हमारे पास 84 और 6 बने 90 और 50 और 4 बने 54। अब हम जो ये 20,000 रुपीज की कमी जो थी वो कौन लेकर आएंगे, ए और बी। तो ए और बी जब लेकर आएंगे हम इसको देखेंगे कैसे करेंगे हम, हमारे पास है 20,000 इंटू 5/8 और 20,000 इंटू में 3/8, तो सॉल्व करेंगे इसको हम, हमारे पास कमी एक्चुअली देखो यहाँ पर 14 और 8 20 में से 2 गए 22 में से 2 गए 20, और इसने कहा था कि 20 का 20% यहाँ पर लेकर आएगा, तो वो जो 4,000 की रिकवरी है वो भी यहाँ पर ले ही लो आप, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी नहीं तो वहाँ सॉल्व करते वक्त हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसको लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रिकवरी, ये वो रिकवरी है जो इसने यहाँ पर बोला था सी के, भी सी 20% ले आएगा, जितना इसका ड्यू है ना उसका 20% वो ले आएगा, तो ये वो रिकवरी है। अब 22 में से 4 और 2 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 16,000, तो जो रिकवरी है वो 16,000 की रहेगी सिर्फ। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे हम, देखो 16,000 इंटू 5/8 और 16,000 इंटू में 3/8, 5/8 करेंगे तो कितना बनेगा 10,000 ए का और 6,000 बी का। अब ये जो ले आएंगे पैसे,
सी को, सी की जो कमी है 16,000 रुपए की, वो पूरी कर देंगे। लो 10,000 लेकर आया ए, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय एज कैपिटल अकाउंट 10,000 और बाय बीज कैपिटल अकाउंट 6,000, और यही 10,000 और 6,000 हमने क्या कर देने हैं, डेबिट कर देने हैं टू किसको दिया इन्होंने, सी को दिया ना, सी इज कैपिटल अकाउंट 10,000 6,000। और अब बात आती है ये कि गार्नर वर्सेस मुर्रे का नियम अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर ये लाइन क्या रखी है ना, तो जो ये लॉस था यूटिलाइजेशन पर होने वाला सॉल्वेंट पार्टनर का, सिर्फ इंसॉल्वेंट का नहीं लेना, सिर्फ सॉल्वेंट का लेना, तो सॉल्वेंट का जो लॉस था वो यहां पर भी आना चाहिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ब्रिंग इन। लॉस ब्रिंग इन का मतलब है कि लॉस लेकर आए हैं ये, जो ये वाला लॉस था इनका सहन कर रहे थे जो ये, तो इसको अब हम सोल्व कर देते हैं, बस हो गया। अब हमने इसको टोटल करना है, तो देखो 84 और 6 90, 90 और 24 बन जाएंगे हमारे पास 114, और यहाँ पर बन जाएंगे हमारे 70,000, और यही बैलेंस हमने यहाँ लगा देना है, और इसमें यहाँ पर हमने इनकी क्या कर देनी है, ए और बी की पेमेंट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, फाइनल पेमेंट। बाकी सब सम एक जैसा ही है, बस इसमें जो फर्क था वो क्या था, जो सी की जो कमी थी वो कैसे सहन होगी, तो मैं बता देता हूँ सी की जो कमी है वो ए और बी ने सहन की है। इनकी कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो निकालते वक्त अपने ध्यान में क्या रखना है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का रिजर्व पड़ा है तो वो ऐड कर देना चाहिए, लॉस है तो वो क्या कर देना चाहिए हमें, माइनस कर देना चाहिए। उसके बाद हमारा ये सम जैसे एज यूजुअल प्रीवियस में चल रहा था वैसे ही चलेगा। आप कोई डाउट हो आपको तो आप डाउट सेशन में या डिस्क्रिप्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू।